दे दो 5 ग्राम और रख लो बाकी अपनी जमीन तमाम। और इनके खिलाफ मिलकर लड़ते हैं, हमने हमेशा इस सिद्धांत के साथ लड़ाई लड़ी। लेकिन अगर आप सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देना चाहेंगे किसी के स्थायित्व, किसी की भागीदारी के लिए, तो फिर उस वक्त भी हट धर्मिता का जो एक रिजल्ट था वो महाभारत था। और आज भी अगर आप भागीदारी नहीं देंगे तो हट धर्मिता का रिजल्ट जो होगा वो महाभारत ही होगा। ये अंदाजे बयां, ये तेवर और इन बातों के पीछे छिपा कुछ छूट जाने का, पीछे रह जाने का दर्द लखनऊ में जब पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल की अपना दल के असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, प्रेमचंद बिंद की प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और बाबू रामपाल की राष्ट्रीय उदय पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में एक नया मोर्चा बना रही थी। उनके दिमाग में कई बातें थी, आंखों में साफ कोई थी और दिल में गुबार था। लेकिन कहते हैं कि जब साथ में संबल हो तो गुबार बाहर आ ही जाता है। पल्लवी पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर बोली, उनकी बातों में राजनीतिक सिला जो होता है उसकी साफ झलक दिखाई दे रही थी। और राजनीतिक सिले की बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन्होंने ये कहा कि सुई की नोक के बराबर जमीन हमको नहीं दी गई, ये उन्होंने अखिलेश यादव के संदर्भ में कहा। ये कहा कि हमने तो सिर्फ 5 गाँव मांगे थे। इसे यूं समझिए कि पल्लवी पटेल ने कुछ सीटें मांगी थी, अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन अखिलेश यादव की ओर से उस पर सहमति नहीं व्यक्त की गई। इसी का वो हवाला दे रही थी, पिछड़ा दलित मुसलमान के हितों पर, राजनीतिक भागीदारी के सवाल पर, उनकी सामाजिक आर्थिक न्याय जो हमारा मिशन है उस उद्देश्य को लेकर के, जन भावनाओं को समझते हुए सरकार जो इनके हितों का हनन कर रही है उनके विरोध में। मुरादाबाद में आपके पार्टी का लोकसभा का लीडर एसटी हसन, निहायत ही शरीफ आदमी, आप दो दो लोगों को टिकट देते हैं, उनके ऊपर बदतमीजी करते हैं, बेइज्जती करते हैं उनकी आप, और उनको टिकट नहीं देकर किसी और को दे देते हैं। रामपुर में आप एक नया तमाशा करते हैं। भाई आप अपने हाथों से अपनी खबर खोद रहे हैं तो इसका मैं जिम्मेदार कैसे हूं? लखनऊ में 4 पार्टियों के इस वर्तमान के पीछे का इतिहास ये है कि यूपी में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर फूट पड़ गई थी। समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल की पार्टी को लोकसभा सीट में 3 सीट देने से इनकार कर दिया और अखिलेश ने दो टूक कहा कि अपना दल से उनका गठबंधन 2022 में था, लोकसभा में कोई गठबंधन नहीं है। अपना दल ने मोर्चा लेते हुए तुरंत पुरत में 20 मार्च को पल्लवी पटेल ने फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पल्लवी के ऐलान के 3 घंटे बाद ही समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद को टिकट दे दिया। अपना दल ने 3 सीटों पर कांग्रेस का रुख जानने की भी कोशिश की, लेकिन वहां भी बेरुखी ही मिली। कांग्रेस से भी जवाब नहीं मिलने पर पल्लवी नए विकल्प की तलाश में जुट गई। पल्लवी पटेल ने पहले मायावती के साथ गठजोड़ की कोशिश भी की, लेकिन वहां भी उनके हाथ खाली ही रहे। दूसरी तरफ AIMIM अखिलेश यादव से यूपी में 5 सीट की मांग कर रही थी। पार्टी ने यह तक कह दिया था कि अगर उन्हें 5 सीट नहीं दी जाएंगी तो 25 सीट पर उम्मीदवार उतार देंगे, फिर बड़ा खेला हो जाएगा। और जब पल्लवी और ओवैसी दोनों को अखिलेश से उपेक्षा का सामना करना पड़ा तब दोनों दल करीब आए और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए नई मुश्किल खड़ी करने की तैयारी कर ली और यूपी में 3rd मोर्चे PDM का ऐलान कर दिया। हालांकि कौन सी पार्टी कहां कितनी सीट पर कितने उम्मीदवार उतारेगी ये अभी भी साफ नहीं है।
कितनी सीट्स पे लड़ेंगे वो हमारी बहन बताएगी आपको, हम लोग बताएंगे, फिक्र मत करिए आप। AIMIM ने 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव में कदम रखा था, तब पार्टी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, हालांकि उसे किसी भी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी का वोट प्रतिशत 0.24 था। पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन संभल में रहा, पार्टी उम्मीदवार जियाउर रहमान 59,336 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे। ऐसे में AIMIM के पास चुनाव में खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर पार्टी अपने गठबंधन के साथ जीतती है तो मुसलमान और ओबीसी वोट बैंक पर निर्भर समाजवादी पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ का भी लोकसभा की चौखट नहीं पहुंच सकी अपना दल के को भी मुस्लिम गठजोड़ से फायदा पहुंच सकता है। बदली परिस्थितियों में ओबीसी भी खुद के लिए यूपी में सियासी उपज की उम्मीद देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 19% से ज्यादा है, लेकिन पश्चिमी यूपी में ये बढ़कर 26% हो जाती है। यूपी में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली लोकसभा की 21 सीटें हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने SP BSP के गठबंधन में 73%, कांग्रेस को 18% वोट दिए थे, और इसी का फायदा लेने के लिए ओवैसी पल्लवी वाले गठबंधन ने PDA के ए यानी अल्पसंख्यक को हटाकर PDM कर दिया। कि सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत पारदर्शिता के साथ लड़ी जानी चाहिए, और PDM हमने इसलिए ये नारा दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं अल्फाबेट ए में कन्फ्यूजन था, कभी वो आधी आबादी था, कभी वो अगड़ा था, कभी वो अल्पसंख्यक था, कभी आदिवासी हो गया, और कभी जाते जाते ऑल हो गया। तो हमने कहा राजनीति में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, इसलिए उस ए के कन्फ्यूजन को हटा करके हमने उनको जोड़ने का काम किया है जो वास्तविक रूप से इस देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण का शिकार है। PDA और PDM नाम में ज्यादा फर्क नहीं है, एक ही जगह M हो गया है, लेकिन जब सियासी मायनों की बात करेंगे तो फर्क बहुत ही ज्यादा साफ हो जाता है। PDA यानी कि अखिलेश यादव का जो अभी तक का चुनावी नारा रहा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और PDM जो पल्लवी पटेल और असद ओवैसी के गठबंधन ने जो मूल मंत्र सियासत के सामने रखा है वो है पिछड़ा, दलित और मुसलमान। तो ये सीधा सा ये बताने की कोशिश है कि मुसलमानों के खैरख्वाह अखिलेश यादव नहीं है। मुस्लिम वोटों के लिए हो रहे गठजोड़ की खबर BJP को भी है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। विपक्ष के आवाज उठाने ना उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मसला ये है कि आम मुसलमानों के दिलों में क्या है। आज हमारे देश का मुसलमान वो सजग है और जागरूक है, उसको मालूम है कि मुस्लिम समाज के लिए एजुकेशन जरूरी है, मुस्लिम समाज के लिए एम्प्लॉयमेंट जरूरी है, मुस्लिम समाज के लिए एम्पावरमेंट जरूरी है, और ये तमाम चीजें हमारी मोदी और योगी सरकार कर रही है। 15% वोट मुसलमानों का हमारे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। BJP से इतर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ाने की और बड़ी तैयारी की है। हैदराबाद के ओवैसी तो उत्तर प्रदेश में और बड़ा खेला करने की तैयारी में है। खबर है कि ओवैसी के उन सभी नेताओं से संपर्क की कोशिश में है जिन्हें न NDA ने सहारा दिया और न ही BSP ने हाथी की सवारी कराई। माना जा रहा है कि तीसरे मोर्चे में अपना दल कमेरावादी पार्टी के अलावा राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के संजय चौहान, पीस पार्टी के डॉक्टर अयूब और बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी से गठबंधन पर बात बनी है। गठबंधन की कयास और तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट के बीच अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और अटकलों पर विराम लगा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ओवैसी पल्लवी के गठबंधन के साथ होने से इनकार कर दिया। मैं इंडिया अलायंस का सहयोगी था, आज भी हूँ, आगे भी रहूंगा। हमारी मान्यता है कि संविधान बचाओ, BJP हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, BJP हटाओ, देश बचाओ, BJP हटाओ। इसलिए हम इंडिया अलायंस को सशक्त बनाने की दिशा में पहले भी काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। लेकिन लखनऊ में बने तीसरे मोर्चे ने अपना फ्रंट सभी के लिए ओपन रखा है। देखिए, अगर कोई इसमें आना चाहता है तो बहुत वेलकम है उनका,
को क्यों रोकेंगे, आना चाहता है तो वेलकम है उनका। इसके पहले ओवैसी ने मुरादाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर सैयद तुफैल हसन पर भी डोरे डालने की कोशिश की। 28 मार्च को एसटी हसन ने खुद इसकी पुष्टि की थी। उन्होंने पार्लियामेंट में मुझसे इस बात को कहा था कि आपको टिकट ये पार्टी नहीं देगी, और इस बात को भी कहा था कि मुस्लिम लीडरशिप ये पार्टी ख़त्म करना चाहती है। मैंने उनका हंसी मजाक में बात टाल दी थी। ओवैसी ने लखनऊ में भी एसटी हसन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बार उनका जिक्र किया। मुरादाबाद में डॉक्टर एसटी हसन साहब उस पार्टी के लीडर थे लोकसभा में, और इतनी उनकी बेइज्जती की गई, इतनी बदतमीजी उनसे की गई, आप देख लीजिए फिर रामपुर में क्या हुआ। तो ये मिसालें कई हैं ना, तो इससे को तो इनकार नहीं कर सकता। यार हम नहीं कह रहे हैं कि वो, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, रामपुर के उनके जिम्मेदार कह रहे हैं, ये हकीकत है, इसे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। ओवैसी जानते हैं कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि मुस्लिम वोट बिखरे, इसलिए अखिलेश पर दबाव की रणनीति है। दूसरी तरफ ओवैसी 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अपने प्रत्याशी उतार मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश कर चुके हैं। ऐसे में ओवैसी और उनके गठबंधन के यूपी के सियासी अखाड़े में अपने दम पर उतरने पर जो भी नुकसान होगा वो एसपी कांग्रेस गठबंधन का ही होगा।